ब्यूटी फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज हम देखेंगे आई एम लेजेंड मूवी को, जो कि 2007 में रिलीज हुई एक अमेरिकन एपोकैलिप्टिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। आपको इस मूवी के दो एंडिंग्स देखने को मिलेंगे, तो एक्सप्लेनेशन एंड तक जरूर देखना। तो मूवी की शुरुआत में हम डॉक्टर एलिस का इंटरव्यू देखते है, जो बताती है कि उन्होंने एक ऐसा वायरस बनाया है जो कैंसर को पूरी तरह ठीक कर सकता है, पर इस वायरस की वजह से 90% मानव जाति का नामो निशान मिट गया। जिसके बाद हमें 3 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां न्यूयॉर्क का मैनहट्टन शहर पूरी तरह बंजर बन चुका था। इस जगह से मानव जाति का नामो निशान पूरी तरह मिट चुका है, सिवाय डॉक्टर रॉबर्ट के, जिसका किरदार इस मूवी में विल स्मिथ ने निभाया है। डॉक्टर रॉबर्ट ही एक आखिरी इंसान था जो न्यूयॉर्क में जिंदा बचा था, और उसी के साथ उसका एक साथी यानी उसका डॉग सैम भी होता है, जो हिरन का शिकार करने आए थे। जैसे ही रॉबर्ट हिरन को मारने जाता है, वह एक शेरनी आकर रॉबर्ट का शिकार छीन लेती है। तभी उसका अलार्म बजता है, जिससे उसे पता चलता है कि शाम होने वाली है, और वो अच्छे से जानता था कि सूरज ढलने पर बाहर रुकना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जैसे ही चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा, वो म्यूटेंट जिन्हें इस मूवी में डार्क सीकर्स कहा गया है, वो अपने शिकार पर निकलेंगे। और इसीलिए रॉबर्ट सैम को लेकर घर आता है और खाना खाकर अपने घर को पूरी तरह लॉक कर देता है। साथ ही वो पूरे घर की लाइट्स बुझा देता है, ताकि डार्क सीकर्स को पता न लगे कि इस घर में भी कोई रहता है। जिसके बाद रॉबर्ट सैम को लेकर बाथटब के अंदर सो जाता है, और वो सुनता है कि बाहर डार्क सीकर्स की आवाजें आ रही है, जिससे वो काफी बेचैन हो जाता है। और कहानी चली आती है फ्लैशबैक में, जहां हम रॉबर्ट को देखते हैं, जो अपनी वाइफ जोई और बेटी मार्ली को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। वो जोई को बताता है कि एक वायरस है जो हवा के जरिए फैल रहा है, इसलिए कुछ ही देर में आर्मी पूरे शहर को सील करने वाली है। तभी वो रेडियो पर न्यूज सुनते है कि प्रेसिडेंट ने एक मेमो साइन किया है, जिसमें लिखा है न्यूयॉर्क को बाकी देश के हिस्सों से अलग किया जाएगा। पर रॉबर्ट अकेला यही रुकने का फैसला करता है, क्योंकि वो जानता था कि वो इस वायरस का एंटीडोट बना सकता है। काफी मुश्किलों का सामना करके रॉबर्ट अपने परिवार को लेकर एयरपोर्ट आता है, पर वहाँ पहले से ही डरा हुआ पूरा शहर मौजूद था, जो यहाँ से निकलना चाहता था, पर यहाँ से बस वही लोग जा सकते थे जो इन्फेक्टेड ना हो। रॉबर्ट की बेटी मार्ली को जब चेक किया जाता है, तो वो बिल्कुल ठीक होती है, पर आर्मी को पता लगता है कि रॉबर्ट की वाइफ जोई इन्फेक्टेड है, इसलिए वो लोग उसे वहीं पर रोक देते हैं। रॉबर्ट कहता है कि ये मेरी वाइफ है, तो इसे दोबारा चेक करो, और क्योंकि रॉबर्ट आर्मी में बड़े ओहदे पर होता है, तो सोल्जर्स को उसका ऑर्डर मानना पड़ता है। जब जोई को दोबारा चेक किया जाता है, तो वो बिल्कुल ठीक होती है, जिसके बाद उन्हें अंदर लाया जाता है, जहां रॉबर्ट जोई और मार्ली को एक हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहां से दूर हट जाता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है, रॉबर्ट देखता है कि सामने वाले हेलीकॉप्टर पर इन्फेक्टेड लोगों ने हमला कर दिया है, जिस वजह से हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है, और वो सीधा उस हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है, जिसमें रॉबर्ट का पूरा परिवार था। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां रॉबर्ट की आंख खुलती है, और वो अपनी एक्सरसाइज खत्म करके नीचे अपने लैब में आ जाता है, जहां वो आज तक उस वायरस का एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहा था, जिससे उस म्यूटेंट्स को वापस ठीक किया जा सकता है। वहां उसने काफी सारे वायरस से इन्फेक्टेड चूहों को बंद करके रखा था, ताकि वो पता लगा सके कि उन्हें दिया हुआ एंटीडोट कितना काम कर रहा है। पर किसी भी चूहे में उसे बदलाव नहीं दिखता, सिवाय एक चूहे के जो काफी शांत दिख रहा था, जिसे देखकर उसे उम्मीद मिलती है कि शायद उसे वैक्सीन बनाने का रास्ता मिल गया है। अब हमेशा की तरह वो बाहर निकलता है, इस उम्मीद में कि अगर कोई इंसान बचा होगा तो वो उसे मिले। वो रेडियो के जरिए ब्रॉडकास्ट रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो कहता है कि अगर कोई ये सुन रहा है, तो वो उसे दिन में साउथ स्ट्रीट सीपोर्ट पर मिले। रॉबर्ट यहाँ एयरक्राफ्ट पर मौजूद एक फाइटर प्लेन पर खड़ा होकर गोल्फ खेल रहा होता है, तभी सैम अचानक चौकन्ना हो जाता है। रॉबर्ट जब उस तरफ देखता है, तो वहाँ एक हिरन होता है, इसलिए रॉबर्ट और सैम उस हिरन का पीछा करने लगते है। पर हिरन का पीछा करते करते सैम उसके पीछे एक अंधेरे बिल्डिंग में चला जाता है। रॉबर्ट डर जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ जरूर डार्क सीकर्स होंगे, इसलिए वो सैम को बचाने बिल्डिंग के अंदर आ जाता है, जहाँ रॉबर्ट को सैम मिल भी जाता है, जो एक टेबल के नीचे डर के मारे छिपा हुआ था। तभी रॉबर्ट को पीछे से कुछ आहट आती है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वहाँ एक डार्क सीकर होता है जो हिरन को खा रहा था। जैसे ही डार्क सीकर रॉबर्ट की तरफ बढ़ता है, वो डार्क सीकर को शूट करके सैम को लेकर वहाँ से भाग जाता है। पर पीछे से कुछ डार्क सीकर आकर रॉबर्ट पर झपट पड़ते है, इसलिए वो खिड़की का शीशा तोड़कर बाहर कूद जाता है। रोशनी के संपर्क में आते ही वो डार्क सीकर जलने लगते हैं। अब रॉबर्ट को पता चल चुका था कि इस पूरे बिल्डिंग में डार्क सीकर्स भरे पड़े हैं, और वैसे भी उसे अपनी रिसर्च पूरी करने के लिए एक डार्क सीकर की जरूरत होती है, ताकि वो अपनी बनाई गई वैक्सीन इन पर टेस्ट कर सके। इसलिए रॉबर्ट एक डार्क सीकर को पकड़ने के लिए फंदा लगाता है, और सैम को गाड़ी में ही बिठा कर अपने खून के सैंपल को बेट के तौर पर इस्तेमाल करता है। कुछ वक्त बाद उसके फंदे में एक डार्क सीकर फंस जाता है, जिसे मार कर वो बेहोश कर देता है। तभी एक डार्क
सीकर खिड़की से रोबोट पर चिल्लाने लगता है और ये उन सब डार्क सीकर्स का लीडर था यानी अल्फा डार्क सीकर। अब रोबोट उस डार्क सीकर को अपने लैब में ले आता है जहाँ वो उसके बॉडी पर एक तितली का टैटू देखता है। वो उसे वो एंटीडोट देता है जो उसने उस चूहे को दिया था जिससे वो चूहा शांत हो गया था। रोबोट देखता है कि एंटीडोट देने के तुरंत बाद उस म्यूटेंट की सांसें नॉर्मल होने लगी है। इस बात से रोबोट को लगता है कि शायद उसने वैक्सीन बना ली है। तभी वो म्यूटेंट बौखला कर चिल्लाने लगती है जिससे रोबोट की उम्मीद फिर से टूट जाती है। रोबोट अब रेडियो पर और एक मैसेज रिकॉर्ड करता है जिसमें वो कहता है कि मुझे वायरस का एंटीडोट बनाने के लिए कुछ और वक्त लगेगा क्योंकि उस दवाई से इंसान इन्फेक्शन से तो बच सकता है पर वो दवाई उन पर काम नहीं करती जो पहले से इन्फेक्टेड है। और ये भी बताता है कि आज जब मैंने एक म्यूटेंट को पकड़ा तभी और एक म्यूटेंट भूख के मारे रोशनी में आ गया, मतलब वो अपने जीने के तरीके को बदल रहे है और ये काफी खतरनाक है। अब अगले दिन जब रॉबर्ट सैम के साथ बाहर जाता है तभी उसे सामने इंसानी पुतला नजर आता है जो शॉपिंग सेंटर के बाहर आ गया था। असल में रॉबर्ट ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए इन पुतलों को शॉपिंग सेंटर में रखा था क्योंकि इसे इस जगह अकेले रहकर काफी समय बीत चुका है और कहीं ना कहीं अकेलेपन से आदमी का दिमाग हिल जाता है। और इसी फ्रस्ट्रेशन में रॉबर्ट उस पुतले पर फायरिंग करता है। जब रॉबर्ट उस पुतले के पास आता है तो उसमें से निकले पानी में वो पैर रखता है जिस वजह से उसे पानी में बिछाया गया फंदा नजर नहीं आता और वो उस फंदे में फंसकर उल्टा लटक जाता है। पर जमीन पर सर टकराने की वजह से रॉबर्ट वहीं पर बेहोश हो जाता है और ये फंदा डार्क सीकर्स ने लगाया हुआ था, बिल्कुल वैसा जैसा रॉबर्ट ने लगाया था उस डार्क सीकर को पकड़ने के लिए। अब उस जगह लटके हुए रॉबर्ट को शाम हो जाती है। सैम के भौंकने से और अलार्म की आवाज से रॉबर्ट होश में आ जाता है और उसे समझ आता है कि डार्क सीकर्स के आने का वक्त हो चुका है, इसलिए फौरन वो अपनी रस्सी काट देता है। पर नीचे गिरते ही उसका चाकू उसी के पैर में घुस जाता है। रॉबर्ट किसी तरह अपने गाड़ी के पास आता है तभी उसे बिल्डिंग के अंदर से कुत्तों की भौंकने की आवाज आती है क्योंकि अंदर वही अल्फा डार्क सीकर होता है जो अपने दो कुत्तों को रॉबर्ट के ऊपर छोड़ देता है। हालांकि रॉबर्ट उन दोनों कुत्तों को मार देता है पर उन कुत्तों ने सैम को काट कर इन्फेक्ट कर दिया था। रॉबर्ट सैम को लेकर अपने लैब में आता है और उसे एंटीडोट देता है पर उस एंटीडोट का उस पर कोई भी असर नहीं होता और आखिरकार वो अपने दिल पर पत्थर रखकर सैम को अपने हाथों से मार देता है। ये वक्त रॉबर्ट के लिए काफी मुश्किल का था क्योंकि बचपन से सैम ही था जो अभी तक उसके साथ था और सैम के साथ ही उसने इतने साल बिताए जब वो अकेला था। रॉबर्ट सैम की मौत से पूरी तरह टूट चुका था, इसलिए अगले दिन रात होते ही सैम के मौत का बदला लेने के लिए रॉबर्ट पहुंच जाता है डार्क सीकर्स के इलाके में। रॉबर्ट सारे डार्क सीकर्स को गाड़ी से उड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगता है पर आगे जाकर उसकी गाड़ी पलट जाती है। तभी वह अल्फा डार्क सीकर आकर रॉबर्ट को इन्फेक्ट करने जाता है। तभी एक तेज रोशनी आने की वजह से सारे डार्क सीकर्स वहां से चले जाते हैं। चोट लगने की वजह से रॉबर्ट धीरे धीरे बेहोश हो रहा था। तभी कोई उसे उसके घर का पता पूछता है और बड़ी मुश्किल से रॉबर्ट अपने घर का पता बताकर बेहोश हो जाता है। अगले पल उसकी आंख अपने घर में खुलती है जहाँ घर में वो एक लड़की एना और एक छोटे लड़के ईथन को देखता है और इन्हीं लोगों ने रॉबर्ट की जान बचाई थी। एना रॉबर्ट को बताती है कि हम मैरीलैंड से यहाँ आपका ब्रॉडकास्ट सुनकर आए हैं पर आप हमें उस जगह नहीं मिले और रात होने पर मिले भी तो डार्क सीकर्स के बीच, इसलिए हम आपको बचाकर यहाँ ले आए। वो ये भी बताती है कि सिर्फ हम ही जिंदा बचे हैं, बाकी सब मारे गए और हम वेरवॉन में मौजूद सर्वाइवर्स कैंप की ओर जा रहे थे जहाँ काफी लोग इस वायरस से बचे हुए हैं। वो रॉबर्ट को भी उनके साथ चलने के लिए कहती है पर वो साफ मना कर देता है क्योंकि उसका मानना था ये सब यही से शुरू हुआ है तो वो उसे यही पर खत्म करेगा। अब रॉबर्ट आ जाता है अपने लैब में उस फीमेल डार्क सीकर्स को देखने। तभी वह एना आकर उसे पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये ठीक हो पाएगी, जिस पर रॉबर्ट बताता है कि ये बच तो नहीं पाएगी पर शायद बर्फ की वजह से इसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए जिससे वैक्सीन अपना असर दिखाना शुरू करे। यहाँ एना रॉबर्ट को फिर से एक बार अपने साथ चलने के लिए कहती है जिस पर रॉबर्ट उसे समझाता है कि ऐसा कोई सर्वाइवर कैंप नहीं है जहाँ पर कोई बचा हो क्योंकि 90% लोग वायरस के चपेट में आकर मारे गए, 9% लोग उन भयानक म्यूटेंट्स में बदल गए और बचे 1% लोग तो वो उन डार्क सीकर्स का शिकार हो गए। अब रात होने वाली थी इसलिए रॉबर्ट अपने घर को चारों तरफ से सील कर देता है। तभी उससे बाहर से डार्क सीकर्स की आवाजें आने लगती है। वो एना से पूछता है कि तुमने कल रात मुझे कितने बजे यहाँ लाया था, जिस पर एना कहती है कि लगभग सुबह होने वाली थी। रॉबर्ट समझ जाता है कि वो अब खतरे में है क्योंकि डार्क सीकर्स ने उन्हें ढूंढ लिया था, इसलिए वो अपने घर के आसपास लगाए सारे बॉम्ब्स ब्लास्ट कर देता है जिसमें काफी सारे डार्क सीकर्स मारे जाते हैं और कुछ डार्क सीकर्स जो बचे थे वो घर के अंदर घुस जाते हैं और उसमें से एक रॉबर्ट को मारने की कोशिश करता है पर रॉबर्ट उसे मार गिराता है। अब सभी जान बचाने के लिए लैब में चले आते हैं जहाँ रॉबर्ट देखता है कि जिस फीमेल डार्क सीकर पर वो टेस्ट कर रहा था वो धीरे धीरे ठीक
हो रही है। उसी वक्त वहाँ काफी सारे डार्क सीकर्स आ जाते हैं और उनसे बचने के लिए रॉबर्ट लैब का डोर बंद कर देता है जो बुलेट प्रूफ ग्लास से बना हुआ था, जिसे डार्क सीकर्स तोड़ नहीं पाते। तभी वह अल्फा डार्क सीकर आकर जोर जोर से उस कांच पर अपना सर पटकने लगता है, जिससे उस कांच पर दरार आकर एक तितली का निशान बन जाता है। और रॉबर्ट को याद आता है कि ये वही निशान है जो एना के और उस फीमेल डार्क सीकर्स के बॉडी पर था। वो समझ जाता है कि जरूर ये कोई मैसेज है, इसलिए फौरन वो फीमेल डार्क सीकर के बॉडी से उसका खून निकालता है ताकि उस खून से वैक्सीन बनाई जा सके। रॉबर्ट एना और इथन को एक चेम्बर में डालकर एना के हाथ में उस खून का सैंपल देकर कहता है इसी से वैक्सीन बनाई जाएगी, और वो वही रुकने का फैसला करके चेम्बर का दरवाजा बंद कर देता है। रॉबर्ट यहाँ आखिरी बार अपने परिवार की फोटो देखकर ड्रॉवर के अंदर से ग्रेनाइट निकालता है। यह अब अल्फा डार्क सीकर पूरी तरह उस बुलेट प्रूफ ग्लास को तोड़ चुका था, इसलिए रॉबर्ट ग्रेनाइट की पिन निकालकर उसकी तरफ भागता है, जिससे वहाँ एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और सारे डार्क सीकर उस ब्लास्ट में मारे जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एना और इथन आते हैं वेरमोंट के सर्वाइवर कैंप में, जहाँ वाकई में इंसान वायरस से दूर अपनी जिंदगी जी रहे है। एना उस खून के सैंपल को उन्हें सौंप देती है और यही पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, ये थी इस मूवी की फर्स्ट एंडिंग जो थिएटर में दिखाई गई थी। इसी मूवी की दूसरी अल्टरनेट एंडिंग भी है, जिसमें हम देखते हैं कि रॉबर्ट अभी भी जिंदा है, जो अल्फा डार्क सीकर ने बनाया हुआ निशान देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वही निशान उस फीमेल डार्क सीकर के बॉडी पर भी था। वो समझ जाता है कि ये सभी डार्क सीकर्स यहाँ इस फीमेल डार्क सीकर को लेने आए हैं, इसलिए वो एना को दरवाजा खोलने के लिए कहकर खुद उस फीमेल डार्क सीकर को लेकर उनके बीच चला आता है। वहाँ रॉबर्ट उस फीमेल डार्क सीकर को एक इंजेक्शन लगाता है, जिससे वो होश में आ जाती है और अल्फा डार्क सीकर के साथ अपना प्यार जताती है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये अल्फा डार्क सीकर दूसरों से अलग क्यों है और क्यों इसे अल्फा कहा गया है, क्योंकि दूसरे सारे म्यूटेंट्स इमोशनल लेस थे सिवाय अल्फा डार्क सीकर के, जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोचने की काबिलियत रखता था। अब सभी रॉबर्ट को बिना कुछ किए उस फीमेल डार्क सीकर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, और अब रॉबर्ट, एना और इथन निकल पड़ते हैं वेरमोंट के सर्वाइवर कैंप की तरफ, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।